आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। सीधी बात ये, मोल कॉन्सेप्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, मोलिक्यूलर मास क्या होता है। मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास हम बता करें, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए एटॉमिक मास किसे कहते हैं। दोस्तों, आपने एटम में न्यूक्लियस सुना है। ये मान लो एटम है और इसमें ये न्यूक्लियस है जो रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवर किया था। इसमें जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनका जो सम होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल कितने कितने हैं तो जोड़ लो, तो उसे जो भी रिजल्ट आता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जो सोडियम है 11 और 23, तो जो 23 ऊपर है यही एटॉमिक मास है और जो नीचे 11 है वो एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो एक बात बताओ, 23 तो हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और यहाँ प्रोटॉन दे रखे 11, तो भाई न्यूट्रॉन कितने होंगे। अगर मैं 23 को इसके इक्वल रखूं तो जाहिर सी बात है n यहाँ 12 आ जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन आ गए। तो एटॉमिक मास तो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। अब आओ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल जैसे मैंने H2O ले लिया, अगर मैं सेपरेट बात करूं, हाइड्रोजन होता है ये और ऑक्सीजन होता है ये, ऊपर मास है तो हाइड्रोजन का मास है, मगर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, तो टोटल मास इसका बैठ जाएगा 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और हैं कितने ऑक्सीजन यहाँ 1, तो 16 × 1 = 16, तो टोटल हो गया 18। तो 18 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास, 18 AMU का हो, यूनिट का हो, जो भी को, मॉलिक्यूलर मास इसका 18। अगर मैं इसे ग्राम में लिख दूं 18 ग्राम, तो इस संख्या को 1 मोल कह दूंगा। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल जो भी है, अगर उसे आप, जैसे वाटर है, इस वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास 18 आया, अगर उसको ग्राम में लिख दोगे 18 ग्राम हो जाएगा, तो वो 1 मोल के इक्वल है। तो ये मोल क्या है, मोल मुझे ये बताओ पहले, One dozen banana, mama लाए banana, तो भाई one dozen banana, यानी कितने banana, 12 banana, तो dozen जो यहाँ शब्द है, one dozen football, तो dozen एक संख्या हो, यानी मेरे पास 12 football है, 1 dozen elephant in zoo, यानी 12 हाथी, यानी dozen शब्द जो, 12 एक शब्द है, उसमें हाथी हो, फुटबॉल हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, घोड़े हो, राजा हो, देश हो, कैपिटल्स हो, लड़के हो, लड़कियां हो, पेन हो, पेंसिल हो, टोपी हो, चप्पल हो, किताब हो, कोई भी चीज हुई,
अगर वन डजन का मीनिंग है तो केवल 12 वे चीजें हैं, वे हल्की हैं, भारी है, मोटी है, पतली, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? सेम, बिल्कुल सेम। वन मोल एक संख्या है, वन मोल इज ए संख्या, वन मोल में जैसे वन डजन में 12 होते हैं, ऐसे ही वन मोल में 6.022×10³ मॉलिक्यूल होते हैं, या एटम होते हैं, या पार्टिकल होते हैं, या कुछ भी होते हैं, जिस चीज को भी गिनना चाह रहे हो इतने होते हैं, तो उसको एक मोल कहते हैं। तो वन मोल इज नथिंग बट अ नंबर, वन मोल इज नथिंग बट ए नंबर, ये होता है। और अगर आप किसी भी मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रख दो, जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये एक मोल मॉलिक्यूल है वाटर का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब 18 ग्राम वाटर ले लें तो उसमें वाटर के 6.022×10³ मॉलिक्यूल होते हैं। वन मोल ऑफ वाटर में वाटर के 6.022×10³ मॉलिक्यूल होते हैं, और वन मोल जो संख्या होती है, वन मोल जो संख्या होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के फार्मूले का जो मास आएगा उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे CO2 है, कार्बन एक है 12 ग्राम, ऑक्सीजन दो है, एक का मास 16 है तो दो का हो गया 32, और 32 और 12 को ऐड कर दो तो 44, और 44 को ग्राम में लिख दो, 44 ग्राम में लिख दिया, इसका मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। बस 1 मोल क्या है? 1 मोल किसी भी कंपाउंड को उसका जो एक फॉर्मूला होता है, अगर उसे हम ग्राम में लिख दें तो वो 1 मोल के बराबर हो जाए। और 1 मोल जो होता है उसके अंदर 6.022×10³ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी कह लो, इतने होते हैं। और ये नंबर मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये हमारे साइंटिस्ट, बहुत ही पहुंचे साइंटिस्ट जो थे, जिनका नाम था एवोगैड्रो साहब ने ये नंबर दिया था, इसीलिए इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। तो वन मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, इट इज इक्वल टू 6.022×10³ एटम का हो, पार्टिकल का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयन का हो, कुछ भी कहो, जिस चीज को भी गिनना चाह रहे हो ना, उसकी संख्या इतनी होनी चाहिए, और वो जो है 1 मोल के ऊपर हो जाएगा। तो ये अभी हमने शुरू किया है मोल कॉन्सेप्ट, अभी इसमें बहुत गहराई है, हम धीरे धीरे तालाब के अंदर उतरेंगे और इस पूरे तालाब में मोल का जो तालाब है, कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर घुस जाएंगे। आप इसे नोट करो।